एक्सरसाइज नंबर 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3 एफ ऑफ एक्स इक्वल है 1 बाय अंडर रूट एक्स माइनस 1 के, एक्स नॉट इक्वल टू 1 और जी ऑफ एक्स इक्वल है एक्स स्क्वायर प्लस 1 के होल स्क्वायर के। पार्ट ए इसका सॉल्व करेंगे। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इक्वल होगा एफ ऑफ ब्रैकेट में जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ब्रैकेट में जी ऑफ एक्स की वैल्यू लिखें एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इसको एफ ऑफ एक्स में एक्स की जगह पे पुट कर दें इक्वल्स टू 1 बाय अंडर रूट एक्स की जगह पे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 1 बाय स्क्वायर ओपन करेंगे फार्मूला तो एक्स की पावर 4 प्लस 1 प्लस 2 एक्स स्क्वायर। फार्मूला यहाँ पे कौन सा यूज़ हुआ है ए प्लस बी का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab साथ माइनस 1 आ जाएगा इक्वल्स टू 1 बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 क्योंकि प्लस का 1 और माइनस का 1 कैंसिल हो गया एक्स स्क्वायर हमने कॉमन निकाल लिया था इक्वल्स टू अब अंडर रूट के साथ स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे 1 बाय 1x बाहर आ जाएगा और अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब इसका पार्ट बी है जो हमने फाइंड आउट करना है वो है जी ऑफ एक्स तो हम इसको लिख सकते हैं जी ब्रैकेट में एफ ऑफ एक्स। अब ये जो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है वो यहाँ पे लिखें जी ब्रैकेट में एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है 1 बाय अंडर रूट एक्स माइनस 1। अब जो जी है उसमें एक्स की जगह पे ये वैल्यू लिखेंगे इक्वल्स टू ब्रैकेट में 1 बाय अंडर रूट एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर एक्स की जगह पे लिखा प्लस 1 का स्क्वायर सारी वैल्यू वैसे रहेगी बस एक्स की जगह पे ये वैल्यू लिख देंगे इक्वल्स टू स्क्वायर ओपन करेंगे 1 का स्क्वायर 1 डिवाइड में स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया तो बचा एक्स माइनस 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एलसीएम लेंगे जो कि आएगा 1 प्लस एक्स माइनस 1 डिवाइड में एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर ऊपर से प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल हो गया तो बचा एक्स बाय एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। पार्ट सी है इसका एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू जिसको हम लिख सकते हैं एफ ब्रैकेट में एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ अब जो ब्रैकेट में एफ ऑफ एक्स है ना वो एफ ऑफ एक्स की यहाँ पे वैल्यू लिखें जो हमें गिवन है 1 बाय अंडर रूट एक्स माइनस 1। अब यही वैल्यू जो है वो साथ बाहर एफ लिखा हुआ ना तो इसको एफ वाले फंक्शन में एक्स की जगह पे पुट करें इक्वल्स टू 1 बाय अंडर रूट एक्स की जगह पे आएगा 1 बाय अंडर रूट एक्स माइनस 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 1 बाय अंडर रूट एलसीएम लेंगे तो आएगा 1 माइनस अंडर रूट एक्स माइनस 1 डिवाइड में अंडर रूट एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू ये जो डिवाइड वाला अंडर रूट एक्स माइनस 1 है ये ऊपर चला जाएगा तो टोटल अंडर रूट एक्स माइनस 1 डिवाइड में 1 माइनस अंडर रूट एक्स माइनस 1। पार्ट डी है इसका जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू जी ब्रैकेट में लिख देंगे जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू जी ब्रैकेट में जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू अब यही वैल्यू जो है वो जी वाले फंक्शन में एक्स की जगह पे पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू फार्मूला यहाँ पे ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 पहले तो इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 2 से मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा 4 प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको आगे फर्दर एक्सपेंड करने की ज़रूरत नहीं यही हमारा। अगर आप ये लेक्चर कंप्लीट देखना चाहते हैं और इसके साथ साथ हजारों MCQs वो भी बिल्कुल मुफ्त तो अभी हमारी ऐप डाउनलोड करें हिप्पो ई लर्निंग प्रोग्राम और इसके साथ साथ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल।